CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। राग अनुराग श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम खेमटा राग मिश्र खमाज। खेमटा की शैली ठुमरी से मिलती जुलती है, परंतु खेमटा की गति दादरा से दुगुनी होती है और इसमें स्वरों से खेलने की स्वतंत्रता और उन्मुक्तता अधिक होती है। इसे मुख्य रूप से खेमटा ताल में गाया जाता है और इसमें प्रमुख रूप से श्रृंगार का भाव होता है। खेमटा ताल एक द्रुत और चंचल ताल है। मुख्यतः श्रृंगार प्रधान तथा नृत्य प्रधान गीत इस ताल में गाए जाते हैं। खेमटा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। खेमटा ताल क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल खेमटा। ताल खेमटा में 6 मात्राएं होती हैं। ताल खेमटा के 2 विभाग होते हैं, एक ताली होती है व एक खाली होती है। ताली पहली मात्रा पर और खाली चौथी मात्रा पर। ताल खेमटा का ठेका इस प्रकार है, धाता ती ना धाती, अथवा 6 मात्रा, धाता ती ना धाती, धाता ती ना धाती, धाता ती ना धाती, 6 मात्रा। अब आप खेमटा का ये प्रकार तबले पर भी सुनिए। कुछ विद्वान खेमटा ताल को इसका यही परिचय देते हुए इसके बोलों में फर्क कर देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि खेमटा ताल का दूसरे प्रकार का ठेका, ये दूसरा प्रकार है, धा ते ने गे ने ता धि ने गे ने, धा ते ने गे ने ता धि ने गे ने। अब आप ताल खेमटा का ये प्रकार तबले पर सुनिए। ये थी ताल खेमटा। राग मिश्र खमाज पर आधारित खेमटा सुनने से पहले आइए राग खमाज को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग खमाज खमाज थाट का राग है। इसके आरोह में रे वर्जित स्वर है, इसके आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी लगता है। इसकी जाति षाढ़व संपूर्ण है। राग खमाज का वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। राग खमाज का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग खमाज का आरोह इस प्रकार है। इस प्रकार है, सानी द प म ग रे सा मागा रे सा।
प्रस्तुत है राग खमाज की पकड़। पदमग गमनीदब मगरिसा। आइए अब सुनते हैं राग मिश्र खमाज पर आधारित खेमटा की रचना। जहां बोले पंछी मोर, ब्रज की लता लागे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, ब्रज की लता लागे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, ब्रज की लता लगे प्यारी। जहाँ बोले पंछी मोर, ब्रज की लता लगे प्यारी। जहाँ बोले पंछी मोर, एक तो मंदिर वाकी शोभा, मंदिर वाकी शोभा। एक तो मंदिर वाकी शोभा, मंदिर वाकी शोभा। झांकी जुगल किशोर, झांकी जुगल किशोर। जहां बोले पंछी मोर, ब्रज की लता लगे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, जमुना बहे गहरी, गौवे करत किलो। जमुना बहे गहरी, गौवे करत किलो। जमुना बहे गहरी, गौवे करत किलो। जमुना जहाँ बोले पंछी मोर, ब्रज की लता लगे प्यारी। जहाँ बोले पंछी मोर, जहाँ बोले पंछी मोर, जहाँ बोले पंछी मोर। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं,
भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। तो अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत के साथ खेमटा की रचना। बोल वही है जहां बोले पंछी मोर, और राग मिश्र खमाज है। जहां बोले पंछी मोर, ब्रिज की लता लगे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, ब्रिज की लता लगे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, ब्रिज की लता लगे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, एक तो मंदिर वाकी शोभा, मंदिर वाकी शोभा। एक तो मंदिर वाकी शोभा, मंदिर वाकी शोभा। झांकी जुगल किशोर, झांकी जुगल किशोर। जहां बोले पंछी मोर, ब्रिज की लता लगे प्यारी। जहां लाले पंछी मोर, जमुना बहे गहरी, गौवे करत किलो। 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 जहां बोले पंछी मोर, ब्रिज की लता लगे प्यारी। जहां बोले पंछी मोर, जहां बोले पंछी मोर, जहां बोले पंछी। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है खेमटा, पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में।
संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि खेमटा और प्रस्तुत राग का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। खेमटा राग मिश्र खमाज। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्मल्य डे और नेहा खंक्रियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग शानू मुक्सीम और अमित कुमार, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।